अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। नॉर्मली हम लोग समझ रहे होते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कैंसर, मलेरिया सिर्फ यही बीमारियां हैं जो जिस्मानी तौर पर हैं, मगर कुछ गुमनाम बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, जिनका ताल्लुक दिमागी और नफसियाती तौर पर होता है। जिनमें से एक बीमारी डिप्रेशन है, टेंशन, मायूसी, जो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है, हमें खा रही है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से इतना हमें पता नहीं होता, और ना ही इस बीमारी के बारे में पता होता ना ही इसके इलाज के बारे में। जाहिर सी बात है, जब बीमारी का ही नहीं पता होगा तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। डिप्रेशंस आजकल नौजवानों में एक बढ़ती हुई बीमारी जो अंदर ही अंदर उन्हें खा रही है। डिप्रेशन की बहुत सारी अलामत होती है, बहुत ज़्यादा सोचना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, जॉब की फिक्र करना, घर की फिक्र करना, और बहुत हर की शादी की टेंशन ले लेना। इसके अलावा डिप्रेशन का एक लेवल होता है कंपैरिजन। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जांपल और स्टोरी के तौर पर समझाऊँ, ताकि एक जाहिल से जाहिल और गवार इंसान के दिमाग में भी ये बात फिट हो सके और आसानी से बैठ सके। हालांकि मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा मुश्किल भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आसान करके पेश करता हूँ ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आ सके। कंपैरिजन लेवल क्या होता है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल। एक पार्क में एक लंगड़ा बैठा हुआ होता है, वो चलते फिरते नौजवान को देखकर कहता है कि काश मेरे पास भी टांगे होती तो मैं कितना खुशनसीब होता, और ये सोचकर वो डिप्रेस हो जाता है। फिर वही चलता फिरता नौजवान जब एक साइकिल वाले को देखता है तो कहता है काश मेरे पास भी साइकिल होती, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर जब साइकिल वाला बाइक वाले को देखता है तो कहता है कि काश मेरे पास भी साइकिल होती, और यह सोच सोच कर वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। और बाइक वाला कार वाले को देखकर बोलता है कि ये कितना अच्छा है, ये कितना खुशकिस्मत इंसान है कि इसके पास कार है, काश मेरे पास भी कार होती, और यह सोचकर वो डिप्रेस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, मायूसी का शिकार बन जाता है। और जब कार वाला जहाज़ वाले को देखता है तो बोलता है कि काश मेरे पास भी एरोप्लेन होता, अपना प्राइवेट में चलाता, और वो ये सोचकर डिप्रेस हो जाता है। ये होता है कंपैरिजन लेवल। हम लोग आजकल यही तो कर रहे हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं, कभी अपने भाइयों से, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने कज़न से। कंपैरिजन के चक्कर में ना हम लोग बहुत नाशुक्री कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो खुदा ने नेमतें दी हुई हैं उनकी भी नाशुक्री करें। वैसे तो आपने जो भी स्टोरी सुनी हुई आप उनको एंड टू स्टार्ट रिवर्स तो नहीं पढ़ सकते ना, जाहिर सी बात है स्टोरी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ये मैजिकल स्टोरी है। ये वाहिद स्टोरी है जो कंपैरिजन को कंप्रोमाइज़ में कन्वर्ट करती है। कंपैरिजन कन्वर्टेड इनटू कंप्रोमाइज़। अब वही जहाज वाला जब कार वाले को देखता है तो दिल में शुक्र अदा करता है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बेहतरीन में अता किया है, और उसके अंदर खुशी पैदा होती है। और जब वही कार वाला बाइक वाले को देखता है तो दिल में शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अच्छा अता किया है। जब बाइक वाला साइकिल वाले को देखता है तो कहता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र अदा है। और जब साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखता है कि तो बोलता है या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मालिक, और उसके अंदर खुशी पैदा होती है। और जब वही पैदल चलने वाला लंगड़े को देखता है तो खुदा का शुक्र अदा करता है। ये होता है कंप्रोमाइज़। हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं बल्कि कंपैरिजन पे चल रहे होते हैं। जब किसी दोस्त के पास हम आईफोन देखते हैं तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि काश मेरे पास भी आईफोन होता, और यह सोचकर हम डिप्रेस हो जाते हैं। हालांकि खुदा ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उनकी नाशुक्री करते हैं। इसी तरह जब कोई दोस्त अच्छे कपड़े पहनता है हम उसमें कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जब वो तरक्की करता है जब कंपैरिजन करने लग जाते हैं, लेकिन उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते जो खुदा ने हमें दी हुई होती है। हम कंपैरिजन को कंप्रोमाइज़ में कन्वर्ट नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है, और यही चीज़ हमारे अंदर डिप्रेस करती है, टेंशन को पैदा करती है, हमें मायूसी का शिकार करती है। इस गोला जिस पे हम रहते हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 7.8 बिलियन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस गोला पर 95% लोग वो हैं जो बीमार हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, रूहानी हो, दिमागी हो, नफसियाती हो। सिर्फ 5% मेरे जैसे माइंडफुलनेस लोग हैं। इस गोला में तकरीबन 39 मिलियन लोगों की तादाद वो है जो आँखों से महरूम है, जो इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकते। अगर आपको खुदा ने आँखें अता की है ना, तो यकीन जानिए आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसानों में से एक हैं।
और इनमें ज़्यादातर तादाद 50 उम्र से ज़ायद लोगों की है जो अंधे हैं। इसके अलावा तकरीबन 466 मिलियन तादाद उन लोगों की है जो बहरे और गूंगे हैं। अगर आपको खुदा ने अच्छी ज़बान अता की है, अच्छे कान अता किए तो यकीन जानिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इस पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए। खुदा कुरान में फरमाता है कि जो लोग मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं मैं उनको और दूंगा, और जो लोग नाशुक्री करेंगे तो मैं उनसे उनकी नेमतें भी छीन लूँगा। तो हमेशा खुदा की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए और खुश रहिए। अब आपकी थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी हो जाए ताकि आपके अंदर शुक्र अदा करने की तौफीक पैदा हो और आपकी थोड़ी बहुत बोरियत भी ख़त्म हो। लेट्स गो गाइज फॉर प्रैक्टिकल। आपने घर में एक पुरसकून जगह को ढूंढना है, चाहे वो आपका रूम हो या छत हो, जहाँ पे कोई शोर नहीं हो, कोई बच्चा नहीं हो, कोई आपको तंग नहीं करे, बिल्कुल पुरसकून माहौल में जाए और अपने दिल पे हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रख के लंबी सांसें लें एंड इनहेल। आपने जितना हो सके सांस को लंबा खींचना है एक्सेल। अब आपने आंखें बंद करके तसव्वुर करना है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो आंखों से महरूम हैं। आपके सामने शायद बहुत सारे लोग आए, और फिर आपने अपना तसव्वुर करना है कि आपको खुदा ने आंखें अता की हैं। अगर की हैं तो इस पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए। सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से आवाज़ आनी चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने सांस लेनी है, इनहेल एक्सहेल। आप तसव्वुर करें कि दुनिया में कितने लोग हैं जो बहरे हैं, जिनको खुदा ने कान नहीं आता किए, जो इस ज़मीन की खूबसूरत आवाज़ों को सुन सके, समंदर की आवाज़ों को, चिड़िया की चहचहाट को, कोयल की कुकू को। आपके जहन में शायद बहुत सारे लोग आएँ, आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे जिनको खुदा ने कान नहीं आता किए, जो सुन नहीं सकते। अब अपना तसव्वुर करें कि आपको खुदा ने कान अदा कीजिए, तो इस पर शुक्र खुदा का शुक्र अदा कीजिए, दिल से आवाज़ आनी चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने सांस लेनी है, इनहेल एक्सेल। अब तसव्वुर करें कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास जबान नहीं है, जो बोल नहीं सकते बेचारे। आपके जहन में बहुत सारे लोग आएंगे, आपके शहर में भी ऐसे लोग होंगे, या आपने कभी ज़िंदगी में कुछ लोगों को देखा होगा कि जिनके पास जबान नहीं है, जो गूंगे होते हैं। तसव्वुर करें, अब अपने तसव्वुर कीजिए कि आपको खुदा ने जबान अता की है। अगर की है तो यकीन जानिए आप बहुत खुशकिस्मत है। इस पर खुदा का शुक्र अदा कीजिए और दिल से आवाज़ आनी चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सांस लेनी है आपने, इनहेल एक्सेल। आपने एक एक करके जिस्म के तमाम अज़ा के बारे में सोचना है और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आपने हाथों के बारे में सोचिए और तसव्वुर कीजिए, अपने पैरों के बारे में, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास किडनी नहीं है, जो किडनी फेलर है अगर आपके पास दोनों है। तसव्वुर कीजिए अपने जिस्म के एक एक अज़ा के बारे में और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए।
और मुझे बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस एक्सरसाइज करने के बाद, आपके अंदर खुशी की लहर पैदा हुई, आपने क्या तसव्वुर किया। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।